वीके न्यूज़ राष्ट्र के नाम। नमस्कार, स्वागत है आपका वीके न्यूज में। लव जिहाद, लैंड जिहाद के बाद अब ये थूक जिहाद चर्चा में है। कभी नान पर थूक लगाने की वीडियो सामने आती है तो कभी शादी समारोह की, पर इस बार कथित थूक जिहाद का जो मामला सामने आया है उसने कई सवाल खड़े कर दिए और ये बता दिया कि जिहाद के नाम पर जिहादी अलग अलग तरीके अपना रहे हैं और इसको देख कर तो आप भी हैरान रह जाएंगे। इस वीडियो को जरा गौर से देखिए, इसमें जावेद है, देश के सबसे पॉपुलर हेयर एक्सपर्ट। इस वीडियो में देखा जा सकता है कि एक सेमिनार में सबके सामने महिला के बालों के ऊपर वो थूक रहे हैं। वीडियो किसी प्रोग्राम का दिखाई पड़ रहा है जहां स्टेज पर एक महिला सैलून वाली कुर्सी पर बैठी नजर आ रही है। इसी दौरान वहां मौजूद लोगों को टिप्स देते हुए जावेद हबीब महिला के बालों पर थूक देते हैं और ये वीडियो अब तेजी से वायरल हो रहा है। इस देश में जहां नारियों का सम्मान किया जाता है, उनकी पूजा की जाती है, ऐसे में एक नारी के ऊपर थूकना कहां तक सही है? वीडियो में साफ सुना जा सकता है कि देखा मैंने बाल गंदे हैं, पर गंदे क्यों हैं कि शैम्पू नहीं किया। फिर आगे वो कहते हैं कि ध्यान से सुना, अगर पानी की कमी है ना, और ये करते हुए जावेद हबीब महिला के बालों पर थूक देते हैं। देखा मेरे बाल गंदे हैं, और गंदे क्यों हैं, शैम्पू नहीं किया। ध्यान से रखो, ध्यान से सुनो, और अगर पानी की कमी है ना। इस वीडियो के सामने आने के बाद ही जावेद हबीब के बॉयकॉट करने की मांग उठ रही है। वीडियो को शेयर करते हुए लिखा गया, सरेआम बालों में थूक कर हिंदू महिलाओं को अपमानित करता है जावेद हबीब, बहिष्कार करो इसका, इस पर कठोर कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए। समस्त हिंदू संगठनों से अपील है कि हर शहर और कस्बों में जैद हबीब के सैलून के बहिष्कार का जन जागरण अभियान चलाना चाहिए। यह कल का मुजफ्फरनगर के सेमिनार का वीडियो है। वहीं एक अन्य शख्स ने लिखा, इस थूक में जान है। वीडियो मशहूर हेयर एक्सपर्ट जावेद हबीब का बताया जा रहा है। दावा किया जा रहा है कि हबीब साहब ने मुजफ्फरनगर में लाइव शो में बताया कि अगर पानी ना हो तो थूक का इस्तेमाल करें। डेमो भी दिया और कहा कि मेरे थूक में जान है। अगर ये वीडियो सही है तो निहायत ही घिनौना है। बता दें कि जावेद हबीब के भारत ही नहीं, दुनिया के और देशों में भी काफ़ी सारे सैलून हैं। आपके शहर में भी बेशक उनका एक सैलून ज़रूर काम कर रहा होगा। और इस घिनौने वीडियो के बाद अब सोशल मीडिया यूजर्स ने उनके बॉयकॉट करने की मांग उठा दी है। अब देखना होगा कि जावेद पर क्या एक्शन लिया जाता है। इस रिपोर्ट बस इतना ही। देश और दुनिया के तमाम बड़ी खबरों से जुड़े रहने के लिए बने रहिए वीके न्यूज़ के साथ। नमस्कार। ये है ड्रीम मीडिया नेटवर्क और आप देख रहे हैं देश का पहला 24/7 डिजिटल न्यूज चैनल, वीके न्यूज, राष्ट्र के नाम।